स्टूडेंट SGM पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ। हमने जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने एक्सरसाइज 2A के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस आई थिंक देख लिए थे, बता दिए थे मैंने। अब हम 4 से हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, हमें कुछ वैल्यू गिवन रहेंगे, हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसको वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी को। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर फोर की जो प्रॉपर्टी है वो है P/Q R/S मल्टीप्लाई M/N, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है इक्वल टू P/Q मल्टीप्लाई R/S मल्टीप्लाई M/N, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब हमें वैल्यू गिवन है, जैसे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसकी वैल्यू गिवन है, P/Q की वैल्यू गिवन है, P/Q इक्वल टू -K5/3, ठीक है। R/S की वैल्यू गिवन है 7/4 और M/N की वैल्यू गिवन है 6/11। ये सारी हमें वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या करना है, पहले हम इस वाले इक्वल के साइड वाले उसमें पुट करेंगे वैल्यू, फिर हम इसमें देखेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल हैं या नहीं, या फिर दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, हमने ये वाली जो वैल्यू है इसमें पुट कर रहे हैं, P/Q की वैल्यू -K5/3 हमने पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। R/S क्या है, 7/4 है, मल्टीप्लाई कितना है 6/11, पुट कर दिया, इक्वल लगा दिया। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे -K5/3 मल्टीप्लाई R/S की वैल्यू 7/4 मल्टीप्लाई 6/11 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इन ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले देखो ये कट हो रही है नंबर 2 times, ये 2 से 3 times, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो इनका, -5/3 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 11 2 जा 22 इक्वल, ठीक है। देखो ये वाली नंबर कट नहीं हो रही है कहीं, तो हम क्या कर देंगे, उनको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 35/12 मल्टीप्लाई 6/11, करेक्ट। अब क्या देखेंगे, अब इस वाली नंबर में आए, फिर से देखो ये कट हो रही है, 3 21 दोनों कट हो रहे हैं, 3 से 21 3 बन जा 3, ये 7 times, ठीक है। कितना हो गया -K 35/22 इक्वल, देखो ये 6 2 जा 2 times हो रही है, ये भी कितना आ गया -K 35/22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था वो हो गया अपना, बस हमें यही वेरीफाई करना था, ठीक है, दोनों में वैल्यू इक्वल आ गई, ठीक है। ऐसी जब आप क्वेश्चन नंबर 5 करोगे ना, उसमें भी आपको वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या करना है आपको, प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप वेरीफाई प्रॉपर्टी कर लेंगे सेम 4 की तरह, जैसे मैंने बताया, बस वैल्यू पुट करनी है और इक्वल दिखाना है उनको। 6 से आपका लिखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है फाइंड। तो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे फर्स्ट है आपका -K 16, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इनवर्स ऑफ -16 क्या हो जाएगा, -K 1/16, ठीक है, या फिर माइनस को यहीं रहने दो 16 के साथ, ठीक है, 1/-K 16 या माइनस को ऊपर कर दो -1/16, ठीक है। या एक और जैसे सेकंड वाला नंबर है 7/2, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 2/7, ठीक है, 2/7। अब नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई करना है, आपको क्या मल्टीपल में नंबर्स हैं आपके और आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफाई करना है हमें। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका 1/9 -K 1/9 मल्टीप्लाई 4/-K 9, ठीक है, मल्टीप्लाई 81/-K 64, फिर मल्टीप्लाई
टू, ठीक है, ये नंबर है पूरे। अब देखेंगे जो भी हमारे डिनोमिनेटर में नंबर है, जो भी न्यूमरेटर में देखेंगे, कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट तो नहीं हो रही है नंबर, अगर कट हो रही तो उसको काट देंगे, ठीक है। जैसे ये 4 से 64 कट होगा, 2 × 4 = 16, ठीक है, 16 टाइम। अब देखेंगे ये 2 से 6, ये भी कट होगा -8, माइनस चल रहा है साथ में, ठीक है, -8 आ जाएगा। अब देखो और कोई भी नंबर, हाँ ये भी नंबर, ठीक है, ये मैंने कट कर दिया था यहाँ से, पहले इसको 4 से 64 कट किया था, 16 आया था माइनस के, और फिर क्या, ये 4 तो वन टाइम्स कट हो गया था, ठीक है, फिर 2 से इसको कट किया तो -8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 9 और 81 को कट करेंगे, 9 9 81 होता है, 9 1 9 9 81, ठीक है, ये भी कट होगा, फिर 9 को 9 से कट कर देंगे, ये -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, करते हैं, -1 1 1 1, इन सब का मल्टीप्लाई -1 अपॉन, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 -1 -1 और -1 और -1 -1 प्लस हो जाएगा और 8 हो जाएगा, क्या जाएगा ये आंसर कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 8, ठीक है। माइनस का भी ध्यान रखेंगे आप, और जो नंबर कट कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखेंगे, कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारा 7 नंबर था, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, आपको इवेल्यूट करना है, जैसे आपको फर्स्ट वाली नंबर दी है 2/5 इनवर्स, ठीक है, -2/5 इनवर्स। अब क्या करना है, देखो जब भी कभी इनका रेसिप्रोक, -1 है ना, इनकी पावर -1 है, जब भी हमें +1 में लाना होता है तो क्या कर देते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, और जब इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आता है, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, इन जो नंबर होगी उसके ब्रैकेट में नंबर होगी वो चेंज हो जाएगी, एक दूसरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो क्या आएगा 2, ठीक है, और ये जो पावर रहेगी वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, हमने कर दिया, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। जैसे बी पार्ट आपका सेम है, सी पार्ट देखो, उसमें पहले कैलकुलेट करना है, मतलब इवेल्यूट करना है, फिर उसके बाद आपको उसकी जो माइनस पावर है उसको चेंज करना है, ठीक है, तो हम वही करते हैं, -8/9 × 18/25, ठीक है, पावर क्या है, -1, ठीक है। अब देखो पहले हम देखो नंबर ब्रैकेट के में कोई नंबर ऐसी है जो कट हो रही है, हाँ हो रही है, 9 और 18, 9 को 2 टाइम्स काटो, हो गया ना। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, 16/25 की पावर क्या है, -1, ठीक है। इनका हम जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा, 25 − 16 की पावर 1, और क्या आ जाएगा, 25 / −16, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर डी, इसी का डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट करेंगे हम, ठीक है। अगर वो अगर वो चेंज -1 की पावर है और फिर मल्टीप्लाई में कुछ नंबर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका रेसिप्रोकल करेंगे और इसको हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद कुछ आगे करेंगे, ठीक है। आप 9th में फिल इन द ब्लैंक्स है वो कर लेना आप, वो ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 2E होमवर्क में है। Thank you.